जितना भी मगही का कोई भी कलाकार हो, बढ़िया से बढ़िया हिट से हिट कलाकार हो, हमसे पीछे ही कोई मगही में कदम रखा, ये मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ। तो फिर गुंजन सिंह कैसे बताते हैं, कैसे बोलते हैं कि हमने रास्ता बनाया उस पे जियो खाओ? आज रास्ता बना दिए तो लोग चल रहे हैं, गाड़ी चढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ऐस कर रहे हैं, एक रेखा बनाए जिसपे कि लोग चल रहे हैं। तो जिस टाइम हम मगही गाते थे उस टाइम गुंजन भैया का भी ये गाना हमने सुने थे, जिस टाइम मेरा मगही हिट था उस टाइम उनका भी गाना नहीं आया। कि बहुत सारे लोग मार्केट में विवाद पे ही जिंदा हैं और विवाद पे ही जिंदा रहेंगे कि अंबानी को हमने बनाया है। अभी हमारे साथ मगही के बड़े अच्छे कलाकार कुंदन बिहारी जी मौजूद है। आज हम मगही को लेकर के चर्चा करेंगे और एक नवादा में जो अनुपमा जादो के साथ में मगह में ही जो कि अभद्र तरीके से बोला गया है, मतलब कई तरह के जो आरोप लगा रही हूँ, सारे मैटर पे बात करेंगे क्योंकि मगह के हैं, मगही हमेशा गाते हैं, इनके गाने जो है ना हमेशा ब्लास्ट होते रहते हैं। स्वागत है सबसे पहले सुंदर जी, आपको भी स्वागत है भैया और आपके गंगा न्यूज पे जितने भी हमारे भाई लोग देखने वाले हैं सबको नतमस्तक प्रणाम है और आशीर्वाद का कामना है। कैसे हैं? ठीक है। लेकिन मगही में हमेशा विवाद आते रहता है, मगही में को लेकर के आप क्या कहिएगा? अभी देखिएगा तो गुंजन सिंह बहुत बताते कि मगही में हमने रास्ता बनाया कि जियो कमाओ खाओ, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन आशीष यादव पलटवार वर के भी बोल देते हैं कि तुम ही रास्ता बनाए हो, आप ही बनाए हो, मगही तो बहुत पहले से, क्या सारे मैटर को? देखिए भैया एक बात हम बताते हैं, हम ठहरे एक गरीब आदमी, समझ गए, बाकी कौन क्या पहले नंबर, तो मेरा एक इतिहास है आप देख लीजिएगा उठा करके शुरू से लेके लास्ट तक। जिस टाइम हम मगही में आए थे ना उस टाइम अपने ख्याल से हम, जहां तक कि मेरा दिमाग कहता है कि हम एक भी सिंगर मगही का ऐसा नहीं देखे थे, और हमने मिलियन जो होता है ना मिलियन, आजकल आदमी 30 मिलियन 50 मिलियन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने मगही गाना को 1 मिलियन दिया था। सबसे पहले मेरा बात सुन, सबसे पहले मिलियन में व्यूज मेरा गाना का आया था, और सबसे पहले 10 मिलियन व्यूज मगही में मेरा गाना का आया था, और सबसे पहले 20 मिलियन व्यूज मेरा मगही में गाना आया था, समझ गए। लेकिन ये सब चीज हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम बस इतना ही के लिए नहीं बने हैं, क्या समझे? अब हम भैया कौवा और कुत्ता दोनों काला होते हैं, ठीक है, कुत्ता तो थोड़ा अलग टाइप पे व्हाइट भी होता है, लेकिन फिर भी उसको मान लिया जाए तो कौवा और कुत्ता में ज्यादा का फर्क नहीं होता है, क्या समझे? अगर जो हम मार्केट में आकर के भचर भचर 50 गो मीडिया वाला को भी बुलाए हैं और 2-4-5 गो सिंगर जो भी है मार्केट में उसको हम भला बुरा कह दे, 2-4 गो अब शब्द भाषा का प्रयोग कर दे तो कल से हम सजेशन में आ जाएंगे, ये गारंटी बात है, समझ गए? तो ऐसा हम करना उचित नहीं समझते क्योंकि जहां तक मेरे हिसाब से कहा गया ना कि कुछ माँ बाप का भी दिया हुआ संस्कार रहता है, क्या समझे? एक तो पहले से हम बदनाम थे कि बिहारिया थोड़ा रफ गाता है, तो मार्केट में आप ही देखिए रहे हैं कि क्या क्या कितना बढ़िया बढ़िया सब गाना आ रहा है, ऐसा नहीं है। और हम एक ये नहीं बदनाम होना चाहते ना कि किसी का नाम धर के हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। और बात आ गया मगही का, तो जिस टाइम हम मगही गाते थे उस टाइम गुंजन भैया का भी ये गाना हमने सुने थे, जिस टाइम मेरा मगही हिट था उस टाइम उनका भी गाना नहीं आया था। बात करने का मतलब सिर्फ इतना ही है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने रास्ता बनाया है, मगही हमने ये कर दिया वो कर दिया फलना कर दिया ढिमकान कर दिया, लेकिन जिस टाइम हम ये बोलते हैं कि आज जितना भी हिट सिंगर हैं आप जिसको भी देख रहे होंगे, ठीक है, वो जितना भी मगही का कोई भी कलाकार हो, बढ़िया से बढ़िया हिट से हिट कलाकार हो, हमसे पीछे ही कोई मगही में कदम रखा, ये मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ। तो फिर गुंजन सिंह कैसे बताते हैं, कैसे बोलते हैं कि हमने रास्ता बनाया उस पे जियो खाओ? भैया हम आज एगो बात बताते हैं, हम आपको ये बोलते हैं कि अंबानी ना आज के डेट में इंडिया का थोड़ा बढ़िया आदमी है, हम अगर जो बोल देंगे आपको कि अंबानी को हमने बनाया है तो क्या आप मानिएगा? पब्लिक बुड़बक नहीं ना है जी, है दुनिया का कोई भी सिंगर हो अगर जो ये बात बोलता है कि हमने रास्ता बनाया है तो हम क्या बोले उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं भैया, समझ गए? और गुंजन भैया बड़े हैं, आदर करते हैं हम उनका,
सम्मान करते हैं और सब दिन करेंगे क्योंकि छोटा है भाई। तो अरे चाहे 2 बरस के रहे छोटा होंगे, चाहे 3 बरस के छोटा होंगे, इतना ही छोटा होंगे, लेकिन छोटा तो है तो सम्मान तो करेंगे हम, और सब दिन करते आए हैं, आज भी करेंगे। लेकिन जो बोले वो सही नहीं बोले थे। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको कि ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं बोलते भैया। आपको मेरा बात को थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन बुरा मत मानिएगा, बस हम हाथ जोड़ के आपसे ये करते हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, मगही में देखिएगा तो बहुत सारे लोग पूरा मोटा मोटा चैन पहन के स्टार्ट है चल रहा, कोई फॉर्चूनर ले रहा है, तो रोशन रोही बताते कि हम हेलीकॉप्टर लेंगे, तो कई तरह के ये सब, तो क्या कहना चाहेंगे? हम अब एगो साइकिल लेंगे भैया, साइकिल लेंगे, उससे क्या होगा ना कि स्वास्थ्य मेरा ठीक रहेगा। अच्छा, और कुछ नहीं। और क्या बोले अब हम भैया, हम हेलीकॉप्टर कहाँ लगाएंगे बताइए, कोई कुछ भी बोले। हम बोले ना कि किसी को कुछ भी बोलने दीजिए, अब आपको बताते हैं। हम बोले ना कि अभी हम 4-5 गो सिंगर को गाली दे दें, चाहे अभद्र भाषा का प्रयोग करें, कल मेरे पास कम से कम 50 गो मीडिया आएगा, कल मतलब कल से समझ लिए तो हम गाना से कम और ये इंटरव्यू से ज्यादा बिजी रहेंगे। तो क्या बोलिए, नहीं नहीं बिल नहीं बिलिए भाई, तो बोलिए कर देते हैं हम। अब देखिए बात है ना कि बहुत सारे लोग मार्केट में विवाद पे ही जिंदा हैं और विवाद पे ही जिंदा रहेंगे, समझ गए। और ये हम लोग का मगही तो एक छोटा सा चीज है, अब तो बहुत बड़ा बन गया है, अब बहुत बड़ा बन गया। लेकिन जो भोजपुरी का है, समझ गए ना, भोजपुरी के भी एक से एक कलाकार दिग्गज हैं, जो चीज भैया ये कंट्रोवर्सी पर चल रहे हैं, समझ गए ना। अगर कंट्रोवर्सी खत्म, उनका खेल खत्म, लिख के देते हैं हम आपको, नाम तो किन्हीं का नहीं धर सकते हम। लेकिन बहुत सारे कलाकार हैं, और आजकल का ये जनरेशन हो गया है, आजकल का ये जनरेशन हो गया है कि जब तक भाई ये नहीं करोगे तब तक तुम आगे बढ़ोगे नहीं। और मेरी तो बिहारिया का फितरत है नहीं, क्योंकि भैया पहले से ही है ना, हमको कोई बोल सकता है? आजकल एक बात बताते हैं अभी आपको हम, आप बहुत सारे मगे कलाकार से इंटरव्यू लेते हैं ना, सबसे एक सवाल जरूर पूछिएगा, बस हम इतना ही पूछेंगे, सबसे आप पूछिएगा, हम अभी तो ऑन कैमरा में बोल रहे हैं कि तुम पहला हिट गाना किसका सुने हो, पहला मिलियन में गाना किसका सुने हो, बस यही बोलेंगे, पहला 10 मिलियन में गाना किसका सुने हो। तो ओम प्रकाश अकेला भी बताते हैं कि हमने शुरुआत किया, हर जगह मगही भाषा बोले हैं, हर जगह मतलब कि बढ़ाए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा मिलियन में सबसे पहला गाना। आप ओम प्रकाश से पूछिएगा, हम तो लगता है कि हो सकता है कि साल भर बड़े होंगे उससे, समझ गए ना, लेकिन उतना तो नहीं बता सकते हैं, चाहे छोटा होंगे यही ना। लेकिन जिस टाइम ओम प्रकाश ये सब फिल्म नहीं था उस टाइम मेरा गाना हिट था, जिस टाइम वो आया भी नहीं था ना उस टाइम हिट था। और ये हम उसको नीचा और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, ठीक है। आप उससे ही पूछिएगा कि ओ, नहीं नहीं उसे पूछिएगा क्या, मतलब वो जानता है, इतना बोलने को तो जरूर सुनेगा, या नहीं सुनेगा तो ठीक है आप पूछ लीजिएगा कि क्या ये बात सही है कि जब कुंदन बिहारी का गाना हिट था तब आप इस लाइन में कदम भी नहीं रखे थे। हाँ, वो बेचारा कॉमेडी करते थे, समझ गए, कॉमेडी करते थे, वो सब जो मोबाइल वोबाइल पे ना अति होता है उस टाइम बेचारा कॉमेडी वो करता था, इतना हम जानते हैं। फिर बाद में वो बेचारा कॉमेडी बनाने भी लगा था, समझ गए, और उसके बाद फिर माता रानी ने उसको साथ दिया, उसको जो भी था, देखिए भैया जो आने वाला उसको कोई रोक नहीं सकता, अगर तो बिहारिया चाल लगा कि कोई बज रहा है तो उसको हम बंद कर दे तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, और पहला नंबर तो बिहारिया ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता है, समझ गए। तो बस हम इतना ही बोलेंगे कि जिस टाइम वो आया भी नहीं था ना उस टाइम से मेरा गाना हिट है, बस इतना ही बोलेंगे, ज्यादा कुछ। अच्छा, ये नहीं बताए कि पूरे मगही के लोग पूरा चैन देखिएगा तो पूरा मारते, लेकिन आपके गले में थोड़ा दर्शक को दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है, हम पहनते हैं कभी कभी, समझ गए ना, एक मेरे पास भी है, वो हमारे बाबूजी बना करके दिए हैं, वो भी बोले थे कि बेटा तुम भी पहनो, उनको भी ऐसा लगता है, तो एक छोटा मोटा मेरे पास भी है, तो अभी तो नहीं पहने हुए हैं। और बाकी चैन है भैया तो देखिए, तो एक नहीं पूरा मार के चलते हैं ना, तो सबका वो सबका अपना अपना, अब उसको क्या बोले, हम उसको ईगो भी बोल सकते हैं, चाहे उसको हम धन वाला भी बोल सकते हैं, चाहे उसको हम दिखावा भी बोल सकते हैं, अब जो मर्जी जो उसको जैसा नजरिया से उसको देखिएगा, जैसा नजरिया से वो चलेगा। और देखिए ये सब पहले से ही चलते आ रहा है, बप्पी लहरी तो बहुत सारा तो समझिए कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा अभी तक, बहुत बड़ा बड़ा भी जो है भोजपुरी का, चाहे अतिक उनका तो अभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, तो हम लोग क्या है। अच्छा, मगही में सबसे आपको सिंगर में कहे तो कौन अच्छा लगता? सब लोग कैसे, एक ही अच्छा होगा ना, वो आपके नजर में होगा, मेरे हिसाब से सब लोग अच्छा है, मेरे हिसाब से सब लोग अच्छा है। और हम आपको एक चीज पहले बताते हैं कि जितना भी सिंगर है, मगही का हो भोजपुरी का हो, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझ गए।
और हमें अगर जो वैसा कोई चीज होगा सीखने का तो हमसे भी सीखता होगा। अच्छा, बगही में आखिर अब विवाद क्यों घुस गया है? पहले तो कुछ विवाद नहीं था, लेकिन आज के डेट में पूरा विवाद। भैया तुम बोल ही रहे ना, मगही क्या पूरा इंडस्ट्री भोजपुरी हो मगही हो, समझ गया ना, सब में बेगर। एक बात ये बताते हैं कि जब तक अगर जो जिस दिन से अभी अति बंद हो जाएगा ना भैया, उस दिन से आपको बताते हैं कि आधा रोड पर आ जाएगा। बंद होगा तो विवाद बंद, और आधा देखिए वही बचेगा विवाद के बाद ना, जिसको अच्छा गाने आता होगा, जिसको अच्छा करने आता होगा, क्या समझे। अगर विवाद बंद हो जाएगा ना तो कितना, आजकल मार्केट में 500 250 300 सिंगर रोज पैदा होते हैं, समझ गए। आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है, पहले गाना गाने के लिए आदमी पटना आता था और पटना आने के लिए सोचता था, अब क्या जहां पे जाइए चौक चौराहा पर बाजारे में खुल गया स्टूडियो, फलना स्टूडियो, फलना फिल्म्स, फलना ये, फलना ढमकान सब, तो ये सब अब ये हो गया ना। 500 रुपया दीजिए गाना गाइए निकलिए,